राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के मिशन के तहत शिमला शहर में ही चल रहे करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जहां नगर निगम के कई वार्ड न सिर्फ जरूरी सुविधाओं के तहत अभाव में जूझ रहे हैं बल्कि स्थानीय लोग बेहद मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वार्ड कैथू वार्ड है, जहां सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। जगह जगह सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं और गाड़ियों का यहां से रवाना होना किसी जंजाल से कम नहीं। वहीं स्ट्रीट लाइट का अभाव भी इस वार्ड में लोगों की परेशानी का सबब बना है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द इस ओर दुरुस्त कदम उठाने की मांग की है, साथ ही स्थानीय लोगों में इन असुविधाओं के लिए खासा रोष नजर आ रहा है। जो विक्टोरियन से नीचे को जो ये रोड आ रहा है, पीछे बरसात में डंगा ढहने के बाद उसके बाद इसका काफ़ी टाइम उस डंगे में लगाया, उसको तो लगा दिया, लेकिन जो सड़क की खस्ता हालत है उस पर ना कोई गवर्नमेंट का ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई ध्यान है। और उससे क्या हो रहा है कि जैसे बीच में स्ट्रीट लाइट की भी प्रॉब्लम है, मैं उस वजह से जो बुजुर्ग है, आने वाले समय में अब स्नोफॉल होने वाला है तो उसमें स्लिपरी होगा रास्ता, गाड़ियों को भी, पैदल चलने वालों को, सबकी समस्या होगी। तो मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये चाहूँगा कि इस रास्ते को पक्का करें, स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम करें, और भी जो इलाके की समस्याएं हैं, जैसे ये यहाँ हमारा ये नाला है, इसमें बहुत सारा गंद है और ये सब स्टैंडर्ड है। पहले की सरकार को भी तत्कालीन मंत्री जी सुरेश भारद्वाज के ध्यान में हमने लाया था, तब भी इस नाले की कोई, उन्होंने कहा था कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, ये सब स्टैंडर्ड बनाए। और जो परे कोमली बैंक का नाला है, इसमें भी सारा गंद लोग वहाँ फेंकते हैं और ये, और ऊपर से जो मिट्टी है वो सब उसमें डालते हैं, जिससे उस नाले में जो पानी रुक जाता है। तो तमाम जो ये सफाई व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी तरफ ध्यान दे और इसको चुस्त दुरुस्त करे, ताकि जो लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सब टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और टैक्स देते हैं, उसका सदुपयोग हो। वरना ये नहीं है कोई टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं कि आप इनकम के साधन बढ़ाते रहो, लोगों के उस मुताबिक सुविधाएं भी मुहैया करवाओ। और हम रेज करेंगे और हम ये बताएंगे कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्या कारगुजारी है, सिर्फ ये डंगे लगाने से नहीं स्मार्ट सिटी बनेगा। स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि लोगों को सुविधाएं उस मुताबिक मुहैया कराया जाए, तब तो स्मार्ट सिटी होगा, वरना ये डंगे लगाने से और लिपस्टिक की तरह काम करने से नहीं होगा स्मार्ट सिटी। आपको यू हैव टू वर्क 24/7, यू हैव टू प्रोवाइड वाटर 24/7, यू हैव टू प्रोवाइड बेसिक मिनिमम फैसिलिटी टू दी रेजिडेंट ऑफ दी एरिया, तब जाके स्मार्ट सिटी होगा। वरना ये आने वाले दिनों में MC के इलेक्शन में होंगे तो ये जनता जवाब मांगती है, जिस प्रकार से असेंबली इलेक्शन में जनता ने जवाब मांगा। तो यही बोलते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये थोड़ा रास्ते की दिक्कत है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो रास्ता है, थोड़ा एक बार रिटायरिंग हो जाए इसमें बढ़िया सी, तो जो गड्ढे गुड्ढे से कई बार पैर मुचड़ने की संभावना रहती है, कईयों के मुचड़ भी गए, तो ऐसी समस्या है। दो तीन बारी बोला भी, और एक दो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है रास्ते में, एक दो जगह वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग जाती है, जहाँ ऊपर एक नया डंगा लगा है जहाँ पे रास्ता टूटा था, वहाँ पर भी बहुत डार्क है और यहाँ पर भी मोड़ पर पीछे बहुत अंधेरा रहता है रात के टाइम में। तो क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि स्ट्रीट लाइट प्रॉपर हो जाए और रोड थोड़ा, जो गड्ढे गुड्ढे हैं इनकी फिलिंग हो जाए, या प्रॉपर पूरे रोड की टायरिंग हो जाए।